नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम आदिवासियों की आस्था का केंद्र वागड़ का प्रयाग त्रिवेणी संगम बनेश्वर धाम पर आए हुए हैं, जहां पर वागड़ का 2022 का मेला, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर प्रशासनिक पाबंदियों के बीच इस वक्त हम बनेश्वर धाम पर खड़े हैं, जहां पर बनेश्वर मेला 2022 आयोजित किया गया है। इस वक्त राजस्थान सरकार ने बनेश्वर मेले में हाट बाज़ार लगाने की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद यहां पर कुछ देखा जाए तो कुछ हाट बाज़ार लगे हुए हैं, लेकिन जैसा पहले बनेश्वर मेले में जिस तरह का माहौल देखने मिलता था वैसा देखने को नहीं मिला। इस बीच यहां पर बनेश्वर धाम के महंत गादीपति अच्युतानंद महाराज, मामजी महाराज की जो पालकी है, उस पालकी की यात्रा को लेकर अबुद्रा से लेकर हरि मंदिर तक लाए हैं। यहाँ पर मावस भक्त जो हैं वो धूमधाम के साथ यहाँ पर मावजी महाराज की पालकियों को लेकर हरि मंदिर आए। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मावजी महाराज की दर्शन किए हैं, हरि मंदिर के दर्शन किए हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, इन मंदिरों के दर्शन किए। इसके साथ ही यहाँ पर मावजी महाराज का जो एक चौपड़ा है, उसका यहाँ पर एक साल में उस चौपड़े को खोलकर पढ़ा जाता है, उस चौपड़े को पढ़ा गया। मावजी महाराज की जो भविष्यवाणियाँ हैं, उस भविष्यवाणियों को सुनाया गया। और यहाँ पर वागड़ सहित राजस्थान और देश के कई श्रद्धालु जुटे हुए हैं, जो यहाँ पर मावजी महाराज की जो हरि मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं। आज माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा पर हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए यहाँ पर बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बनेश्वर मेले में आप दर्शन करने आए। और जैसा कि देखा जाए तो हर साल यहाँ पर झूले और हाट बाज़ार लगाए जाते थे और कई तरह के ऐसे मनोरंजन के साधन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे आए हुए हैं, बच्चे अपने कुछ चीज़ें लेते हैं और हाट बाज़ार में उस झूले में और ऐसी चीज़ों में खेल कूद में यहाँ पर देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि लोग यहाँ पर जुटे हैं, प्रशासनिक पाबंदियों के बावजूद भी जितने लोग हर बार जुटते हैं उतने ही संख्या में लोग यहाँ पर हर बार जुटे हैं, लेकिन सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह यह लगता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या कोरोना गाइडलाइन लोगों को प्रशासन रोक नहीं पाया। यहाँ पर लोग आराम से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या यहाँ पर जो हाट बाज़ार और झूले लगते थे उस वजह से कोरोना फैलता है, एक प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ पर अपने पेट के लिए गुजारा करते थे, उन पर लात लगती हुई सीधी सीधी नज़र आ रही है प्रशासन राजस्थान सरकार की रोक की वजह से। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, जो खेती करते हैं, वो अपने खेती के साधन जो है यहाँ पर आकर ले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लेके जा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर कई ऐसे छोटे मोटे व्यापारी थे जिनके व्यापार पर चोट लगती हुई नज़र आ रही है और कृषि के संयंत्र वगैरह यहाँ से खरीद के लोग ले जाते हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने जो हाट बाज़ार नहीं लगाने दिया, उस वजह से यहाँ पर काफ़ी मध्यम वर्ग के छोटे जो व्यापारी थे उनको नुकसान होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी इस बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं, महाभक्त यहाँ पर जुटे हैं और भक्तिमय माहौल के बीच हम सीधे आपको ले चलते हैं हरि मंदिर, जहाँ पर मावजी महाराज की यात्रा पालकी के रूप में महंत अच्युतानंद गादीपति महाराज है जो उसमें विराजे हुए हैं और उनको लेकर हरि मंदिर में ले जाया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए, प्रशासन की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और चौकसी बरती जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार पीछे करके दिखाया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं, बनेश्वर धाम 2022 का मेला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन चौकन्ना है, मौजूद है यहाँ पर। और बनेश्वर मेला 2022 का जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये सीधा आपको यहाँ से सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ महाभक्त और लोग जुटे हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गमले वगैरह बेच रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को यहाँ पर अगर पाबंदी लगा दी जाए और इस तरह से अगर सरकार करे तो यहाँ पर, ये आप कहाँ से हैं? रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। क्या नाम है आपका? रतन काले। काले
कितने साल से आते हैं मेले में? हम तो हर साल मेला भरता तब से आते हैं, हर साल। पर ये साल में हमारा कुछ नहीं हुआ, धंधा नहीं हुआ, बाल बच्चे का जो का पेट नहीं भरा, मतलब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह से छोटा छोटा व्यापार लेकर चलते हैं और बता रहे हैं कि मेले में इनका कुछ इतना रोज़गार नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने, राजस्थान सरकार ने मेले पर पाबंदियां लगा रखी थी, इस वजह से यहाँ पर इतना खासा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है और इतना इनका रोज़गार नज़र नहीं आ रहा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर हमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।